अंधेरी बड़कम नारे उन तो खत्म कर दिए ने। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सारे साथी मिलके जितने यहाँ साथी मौजूद हैं और सारे साथियों को जोड़ के धर्मशाला में पहुंचेंगे, वहां चल के आप सारे बातचीत करेंगे। बातचीत के भाई दुखड़े रोवेंगे आपस में। अपने बापू और दादा और बैठे जोड़ो, अगर वे एक महीने उड़े दुखी होकर उल्टे आ जाए तो क्या सरकार दुख जाती? फिर दो महीने दुखी होकर आ जाए, सोचा ना यार कोई नहीं बनती बात, बीच में तोड़ा गया काफी तरह से। और मैं तो बहुत अच्छे मानता हूं अपने बुजुर्गों को कि दो दो तीन तीन स्टेट के लोग वहां बैठे, चार स्टेट के लोग वहां बैठे और आपसी कोई भी झगड़े की बात पूरे साल में एक बार भी नहीं आई। इतना भाईचारा उन लोगों ने दिखाया, इतना प्यार प्रेम उन लोगों ने दिखाया। उड़ते दो काम सिद्ध हुए, एक तो भाईचारा बढ़ा आपस में, दूसरा काम सिद्ध होया कि लड़ाई जो अड़ के लड़ेगा वो जीतेगा। तो क्या करेगा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वो सच में नहीं हुई। हमारे घरों में मारे बाप मारे दादा उदाहरण है, उन लोगों ने तपती दोपहरी भी देखी है दिल्ली बॉर्डर पर बैठ कर, उन लोगों ने कड़कती ठंड भी देखी है, उन लोगों ने आंधी तूफान भी देखे हैं, लेकिन वो वापिस नहीं लौटे, वो डटे रहे। हो सकता है कुछ साथियों की कई बार मजबूरी हो गई, एक दिन किसी ने घर का काम है हुई, वो भी आत्माता साफ आत्माता ने बताना कि सच्ची में काम है, नहीं तो बेवजह कोई झूठा बहाना मार के आज घर बैठ गए ना तड़के सरकार नहीं सुनेगी। वो सब लोग गुनहगार हैं जो आज घर बैठे हैं यूट्यूब से या कहीं से भी जिनके पास वीडियो जाए, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं सबसे बड़ा पाप आप लोग कर रहे हो, आप लोग इनका पसीना भी बेकार कर रहे हो, इनकी मेहनत भी बेकार कर रहे हो जो आज यहां आए हैं। सबको एक साथ आना पड़ेगा, सरकार को जगाना पड़ेगा। और सरकार से अपील भी करता हूं, चले एक तो नू हो कई बीजेपी वाले नू कहते हैं तुम जनसंख्या की बात नहीं करते, इतनी ज्यादा जनसंख्या है कड़े नौकरी लावा, अर्जुन सी वैकेंसी है, पहले वे तो भर दो उसके बाद आओगी जनसंख्या की बात। तो भाई जो पद खाली है सेना में भी है पुलिस में भी है, जब सरकार आई थी इनने घोषणा करी थी आई साल 5,000 नौकरी लगेगी, आई साल सिर्फ पुलिस की कह, पुलिस की आई साल 5,000 ज्वाइनिंग की, जब इनकी सरकार आई इन्होंने अनाउंस किया वे 5,000 नौकरियां पहले ही पूरी हो रही है, अब तक 5 साल हो गए, 24 साल चल रही है और ये लड़कियां आपके सामने बैठी हैं। हाँ। इनका जो वो लगा था फॉर्मूला जिसमें को इनके नंबर परसेंटाइल 200 लड़कियां बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, गलत स्टेप इसलिए उठते क्या कारण होता है। देखो अगर ये बहन आई हुई है, हम सब ऐसे परिवारों से हैं जहाँ के रिश्ते नाते भी अपनी नौकरी काम धंधा किले जमीन इन चीजों को देख के होते हैं बात कर रहती है। अब मान लो किसी गुड़िया का रिश्ता यह बता के हो गया कि हमारी चोरी पुलिस में लागण में हो रही है, अब ऐसा ही उसके लिए घर परिवार देखा जाएगा। अब जिस दिन उसके ऊपर कोई फॉर्मूला अप्लाई करके उसने काट देंगे, बेचारी ने पढ़ाई पूरी करी 100 के 100 नंबर जावे और 5 साल आके कह देना भाई, कि मान लो सरकार कह दे हमने तो भाई बड़े बड़े बाला वाले चाहिए बुला लिए, और अंधे सरकार को कह देना बाला वाले तो बोल ठीक लागे गंजे चाहिए थे, ये तो बेइज्जती वाली बात है, पहले बता दे वो गंजे चाहिए थे तो पहले उसी तैयारी करें। रोज के नए फॉर्मूले लगा के इन बच्चों की हत्याएं की जा रही है, अंदर से मारे जा रहे हैं सब। मेरी पीड़ा ये इसलिए है कि भाई साहब मेरी थारी सब की वजह से परमात्मा ने सुन ली कि मेरा थोड़ा बहुत ठीक काम चल गया, अगर मेरा नहीं चलता बदकिस्मती ऐसी होती मैं इसी भीड़ में बैठा होता, इसलिए मेरी पीड़ा है। मैंने चुपचाप अपनी जिंदगी इंजॉय को नहीं करनी कि तेरे पे सारी मौज है तो तू काचे घाट, मैं आप लोगों के बीच में बैठा होता मैं भी पूछ रहा होता लगन गया पा हवाओं को चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है और हवाओं में भी दबाव डाला जा रहा है, हम ही तो है जिम्मेदार आंतरिक सुरक्षा के और हम ही को नौकरियों से निकाला जा रहा है।
लग सुड़ जावांगे, सारे लग सुड़ जावांगे, सारे इकट्ठे होंगे। लेकिन एक बड़ी पीड़ा अपने पूरे देश की है। ये सरकारें हमारे साथ बहुत बड़ा खेल खेलती है, हमें 4.5 साल तक फुल दुखी रहते हैं, फुल दुखी। यहाँ चुनाव 2 चरणों में होता है अपने देश में। पहला चरण तो ये होता है जिसमें नेता आपके चरणों में होते हैं, दूसरा चरण ये होता है चुनाव जीतने के बाद आप उनके चरणों में होते हैं। ये 2 चरण है चुनाव के। आज हम हाथ जोड़न लग रहे हैं, पैर पकड़न लग रहे हैं, हमारे काम करवा दो, नौकरी लुवा दो, बेरोजगारी दूर कर दो, आत्महत्या की तरफ यूथ जाने लग रहा है, क्राइम की तरफ यूथ जाने लग रहा है, इसको बचा लो। जब इलेक्शन के 6 महीने रह जाएंगे, ये सबसे बड़ी पीड़ा आज बता रहा हूँ, याद नहीं रखते हम लोग, हम भूल जाते हैं। हमारी मेमोरी 8-9 महीने की हो गए, दुख की हो सुख की हो सारी भूल जाए। जब इलेक्शन के 6 महीने रह जाएंगे, हम में से आते युवा इनकी रैलियां में जिंदाबाद के नारे लाते मिलेंगे, जोर से आज मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। गाना देख लें, इस सरकार ने अपना काम धंधा देखना, तुम सारे उसके लिए यूट्यूब की ऐड, जैसे युवा आके आएगा ये बटन दाब देंगे, तुमने साइड कर देंगे, पुलिस के द्वारा कर देंगे, पुलिस आकर बटन दाबेगी या कुछ भी करेगी, स्की वाला बटन दाबकर तुमने साइड कर देंगे। अरे इनमें तो भाई गाना देखना, अपना काम धंधा देखना है, इनको ये देखना ठेकों से कितनी कमाई आ रही है, इनको ये देखना किस पुल में कितना लूट सकते हैं। इस देश के जो नौजवान है, जो भविष्य है, जिनकी वजह से देश का नाम रोशन होता है, जो आगे जाके देश को आगे लाने का काम करते हैं, उनका गला दबाया जा रहा है, उनकी गेटी घोटी जा रही है, और ये तब तक दबाया जाएगा जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे। एक हैशटैग मैंने भी चलाया था, एक मुहिम मैंने चलाई थी, जिसमें हम सरकार को टैग करके ट्विटर पे हो, कोई फेसबुक पे हो, आज के टाइम सोशल मीडिया बहुत मजबूत है, और ये मीडिया के साथी भी आपका सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप इन युवाओं की आवाज बनने के लिए हर जगह पहुंचते हो। ये तो बहुत सारे मीडिया के साथी इसे भी हैं जोड़े पहुंचा कर जन दिखता हुआ अड़ता एड मिले अड़ते किसकी पट्टी चलाऊंगे, उस साइड पट्टी नहीं चला कर नाम चले जाओ दुकान वाले का फलाना फर्नीचर और मुद्दा केवरा मौत का हो। तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप इन बच्चों की आवाज उठाने हर जगह पहुंचते हो और इन बच्चों को इतना कोऑपरेट करते हो, आपकी आवाज से ये आवाज दूर तक जाएगी। हम सारे इकट्ठे होके इस आंदोलन को सिर्फ हिसार तक सीमित नहीं रखेंगे, इस आंदोलन को 100 लोगों तक सीमित नहीं रखेंगे, 200 लोगों तक नहीं रखेंगे, इस आंदोलन को, इस आवाज को लाखों लोगों तक लेके जाएंगे और दिल्ली तक लेके जाएंगे। कौन कौन तैयार है दिल्ली तक आंदोलन लेके जाने में? एक चीज मैं बता दूं साथियों, आंदोलन में सबसे बड़ा डर युवा साथियों को क्या होता है, सबसे बड़ा डर खासकर पढ़ने वाले बच्चों को, उनको डर होता है पुलिस केस का। सब आगे आना चाहते हो, आप सब में जुनून है, आप सब नूचा हो, लड़ांगे लड़ांगे, लेकिन एक डर होता है कि पुलिस केस ना बढ़ जाए। इस डर के आगे भी खड़ा होना पड़ेगा। आप में से अगर 100 आदमी हो तो 5 आदमी से छांट लो जो नोके मैं अड़ूंगा, जिन्हें नू लगता हो उधर पे केस लग गया पाछे भी कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, घर परिवार में टेंशन नहीं आनी। भाई जो नू हो कल्ला है, सारा घर का काम वो करे, सारी चीज वो करे है, वो तो बेशक पाछे रह जो जिस पे जिम्मेदारी है। अगर आजादी से पहले अंग्रेजों के टाइम में आज अपने को डरा दिया जाता है, यार दोस्त कह दे ना खड़े केस लग जाएगा, अपनी माँ कह दे बेटे उड़ना चाहिए घर रह जा, बाबू कह दे रहन दे, सब सब दबा के रखते हैं कि ना नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, और जब तक नहीं जाओगे आवाज नहीं उठेगी। आजादी से पहले अगर भगत सिंह की माँ ने ये कह दिया होता कि बेटे कन्ने नहीं बोलना, और थोड़ा देश पड़े आजाद कराने नहीं करा लेगा। चंद्रशेखर की माँ ने ये कह दिया होता ना बेटे तन्ने नहीं जाना, राजगुरु सुखदेव के माता पिता ने कह दिया होता बेटे तन्ने नहीं जाना, तो आज भी हम गुलाम होते और हैं आज भी गुलाम। वे अंग्रेज गए दूसरे आगे और इन दूसरे ने तो और बुरा हाल कर दिया, क्योंकि पराया आदमी कोई दुश्मन मार के चला जाए उसका इतना दुख नहीं होता। जब खास आदमी, खास का मतलब इसीलिए कह रहा हूं, जिनकी रैलियों में हमने नारे लगाए, जिनके जयकारे लगाए और जिनसे उम्मीद थी आशाएं थी, जब खास आदमी पीठ में खंजर मारता तो डबल दर्द डबल होता है, पीड़ा ज्यादा होती है। आज वही पीड़ा है, ज्यादा से मैं आपका नहीं लूंगा, यही बात मैं कहना चाहता हूं। आज से यहां से डिसाइड करके चलेंगे आगे की तैयारियां, सिर्फ धर्मशाला तक बात नहीं बनेगी, यहां रुकने तक बात नहीं बनेगी, सिर्फ हिसार से ऐसे बात नहीं बनेगी, सिर्फ 200 लोगों से बात नहीं बनेगी, इस चीज को लाखों तक लेके जाएंगे, पूरे हरियाणा को एक साथ लेके आएंगे और जितने भी पीड़ित बेरोजगार युवा हैं उन सबको एक साथ लाकर इस चीज की आवाज उठाएंगे। आप सबका इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करता हूं।